नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में संभारिया फाउंडेशन, सर्वोदय फाउंडेशन व नगर निगम की तरफ से आयोजित किए जा रहे मेगा इवेंट के तहत सोमवार को हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा ने फरीदाबाद के रंगकर्मियों व युवाओं के साथ संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में फरीदाबाद के वरिष्ठ रंगकर्मी आनंद सिंह भाटी ने यशपाल शर्मा का स्वागत करते हुए उनके संघर्ष के दिनों पर बातचीत की और उन्हें मुंबई तक के सफर की चर्चा की। कॉन्फिडेंस है कि इस फिल्म से थोड़ी चेंज आएगा और लोगों के अंदर एक अच्छा म्यूजिक सुनने की, अच्छा सिनेमा देखने की भावना उत्पन्न होगी, जो परिवार के साथ बैठ करके देख सके। हरियाणवी संस्कृति भी है, संस्कार भी है, मैसेज भी है, सब कुछ है, मनोरंजन भी है, संगीत भी, संगीतमय यात्रा है, तो सब कुछ उसमें रखा है। मैं सिर्फ सीरियस फेस्टिवल टाइप जो बोलते हैं वैसा फिल्म नहीं है, कमर्शियल, बकायदा कमर्शियलिटी और सेंसिबिलिटी को मिक्स किया है इस फिल्म के अंदर, ताकि रिक्शे वाले को भी पसंद आए और एक जो बहुत बड़ा कलाकार या बुद्धिजीवी है उसको भी पसंद आए, दोनों का ख्याल रखा गया है। सर, हम देख रहे हैं अभी बहुत सारे भी हरियाणवी गाने तो चल पाते हैं आज के दौर में, लेकिन फिल्मों को चलना बड़ा मुश्किल है। नहीं, फिल्में बनी ही नहीं है ना, कहाँ बनी बताओ सर। जितनी फिल्म अब बनी है, अब रिलीज होंगी, तो अब परीक्षा की घड़ी तो अब है कि क्या होगा इन फिल्मों का, जो बनी हुई पड़ी है 5-7 फिल्में, 7-8 फिल्में, तो अब ये है टाइम। और अभी हमारा भी फ़र्ज़ है, मीडिया का भी फ़र्ज़ है कि उसको कैसे प्रमोट करें और कैसे आगे बढ़ाएं, और अब है, क्योंकि अब लास्ट 4-5 साल पहले फिल्म आई थी, 5-6 साल पहले पगड़ी सतरंगी, उसके बाद, और छोरियां छोरों से कम नहीं होती, उसके बाद कोई फिल्म ही नहीं आई अभी तक, तो फिर ये बनना ही। अब उन्हीं दौरान में कोरोना भी आ गया, इसलिए शायद थोड़ा सा गैप आ गया, लेकिन अब बन के तैयार हैं फिल्में। दादा लक्ष्मी फिल्म आ रही है, हरियाणा फिल्म आ रही है जुलाई में, और विजेता दहिया की फिल्म आ रही है, रंजीत चौहान की फिल्म आ रही है, इसकी चिराग भसीन की फिल्म आ रही है, हरिओम कौशिक की फिल्म आ रही है, इतनी सारी फिल्में आ रही हैं कि मैं नाम भी, लिस्ट लंबी है। तो अभी तो परीक्षा की घड़ी है कि क्या होगा, तो अब हमें दर्शकों को हॉल तक पहुंचना है। सर, फरीदाबाद पहुंचे हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी यहां पर मौजूद थे, क्या गुरु मंत्र दे दिया आपने? मैंने कुछ नहीं दिया जी, मैं कौन हूँ गुरु मंत्र देने वाला, मैं तो जो अपना एक्सपीरियंस है वही बता दिया करूँ, जिसको समझ में आओ तो आ जाए, नहीं तो यहाँ से सुन के वहाँ से निकाल कर आगे बढ़ो। शर्मा जी इंडस्ट्री में किसी न किसी का कोई गॉडफादर है, यशपाल शर्मा जी का कौन गॉडफादर है जिसको वो अहमियत? हमारे जो गॉडफादर है वो हमारा ऊपर वाला है जी, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, हमारा तो गॉड ही है, फादर तो चले गए जी, बस अभी गॉड बचा है। नए कलाकार जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश? नए जो कलाकार आ रहे हैं उनको यही संदेश है कि भैया थोड़ा लिटरेचर पढ़ें, थोड़ा सा थिएटर करें, और अच्छे काम की सराहना करें, किसी दूसरे के काम की बुराई ना करें, दूसरे की लकीर छोटी करने की बजाय अपनी लकीर बड़ी करें, बस ये सबसे बड़ा संदेश।